तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या चाल है दिस इज ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग आज का ब्लॉग बॉयज एंड गर्ल्स थोड़ी मैं सीरियस एक बात करनी है आप लोगों से विच इज अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एंड वाई मैस्कुलिनिटी इज बी लॉस्ट फ्राम पाकिस्तान ठीक है और पाकिस्तान और इंडिया एंड ऑल दीज लाइक आई थिंक ब्राउन जगह है जहाँ पे यू नो बॉलीवुड का बहुत इन्फ्लुएंस था हॉलीवुड का बहुत इन्फ्लुएंस था सो बेसिकली आई सेगवेद दिस टॉपिक फ्रॉम माई इंस्टाग्राम रील जो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के लगाई थी और वो काफ़ी ज्यादा वायरल हो गया और उसमें मैंने थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात की थी इज़ नॉट

होता है, स्कूल उनको देखता है जो जब स्कूल उनकी करता है तो फिर बच्चे आपके उस बड़े हो के, 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 और और के दिमाग में घुसा दिया है कि ये बहुत बुरी चीज है घर में बैठना भाई आई थिंक रेजिंग किड्स राइट एंड लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब जो औरतें पहले बहुत अच्छा करती थी और इससे पूरे घर की फाउंडेशन रहती थी क्योंकि देखो जो दुनिया में बुराई होती है ना स्टार्ट होती है वो घर से शुरू होती है जो घर में नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी होती होती है होती है पेरेंट्स सारा कुछ जो बच्चे पे आगे करता है न, फिर वो जो दुनिया को भी शोक रहा वो घर से शुरू होता है तो माँ का रोल घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम नॉट वुमेन शुड नॉट गेट एजुकेटेड इन फैक्ट क्वाइट द वुमेन शुड भी एजुकेटेड क्योंकि जो एजुकेटेड होती है वो अपनी फिर तालीम जो सीखी होती है वो अपनी औलाद को अच्छा सिखाती है और मसलों के दुनिया को बेटर अंडरस्टैंड करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता उसमें फिर मैंने एक और बात की थी कि यार मेन शुड नॉट क्राई अबाउट देयर प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम टू देयर वन कि भाई रोना धोना अपनी औरत के आगे नहीं है क्योंकि यू आर द मैन यू आर द मैनली मैन हूस कैन टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड तुम लीडर हो घर के ठीक है इसमें कोई फिफ्टी फिफ्टी वाला सीन नहीं हो सकता बिकॉज देखो एक घर में ना दो लीडर नहीं हो सकते कभी भी नहीं हो सकते कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बता दो जिसमें दो लीडर एक टाइम पे एक पावर पे ऑपरेट कर रहे हो पूरी चीज एक में हो जाती है ठीक है ना घर का लीडर जब मर्द होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि मर्द इमोशन से कम लॉजिक से ज्यादा सोचता है क्योंकि इमोशन में यू मेक रॉन्ग डिसीजन ठीक है आई एम नॉट सेंगमेन आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट दे आर बट इन दिस केस आई वुड से दैट ज्यादा सक्सेसफुल सीन होता है जब मर्द होता है ही टेक्स चार्ज अगेन मैंने उसमें ये भी कहा था कि यार ड्यू डिलीजेंस भी जरूरी है अब मैंने औरतों को ये नहीं कहा वुमेन को ये नहीं मैं कहता कि किसी भी मर्द की लीडरशिप को फॉलो करो जो केपेबल मर्द हो जो masculine हो manly हो मैनली उसके अंदर अच्छे अच्छा ठीक है मोटिवेटेड हो, हो ड्राइव हो उसके अंदर तो एक लीडर वाली वाइब होना उसके अंदर उसकी लीडरशिप जो केपेबल आदमी हर बोंगे की नहीं मैंने कहा था कि लीडरशिप को फॉलो करने लग जाओ तो so, उसमें मैंने कहा था ड्यू डिलीजेंस भी जरूरी है बट जो सही मर्द होता है ना जो लाइफ में कुछ पुट रहा है बेहतर है कि उसको समान ले दो सारा बाहर वाला और औरत को चाहिए कि वो घर का सामान ले ठीक है मर्द जो है ना ही इज द पिलर ही इज द पिलर दैट अ वुमेन लुक्स अप टू ठीक है जब वो घर में स्टॉ देखो कितने मसले होते हैं कि कितनी दफ़ा होता है कि औरतें छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनल हो जाती हैं यू you नो know, कोई मूवी का सीन आता है तो वो रोने लग जाती हैं सेंटिमेंटल हो जाती हैं ठीक है मर्द जो होता है ऑन दी अदर हैंड यू हैव टू बी स्ट्रांग अगर तुम वो औरत बन जाओगे तुम फेमिन करोगे रोगे तो कही लड़की से थोड़ी शादी की so, लाइफ का बैलेंस वो एम नहीं बनाई भी बात दो चीजें एक सेम नहीं हो सकती हाँ, प्रॉब्लम और अपनी लाइफ की मैं करता हूँ जैसे मैमनी वाइफ के साथ कोई मसला चल रहा है वगैरह मैं डिस्कस तो करता हूँ कौन बेवकूफ होगा जो नहीं करेगा अभी दीवार से थोड़ी शादी की बात तो करनी होती है लेकिन कॉन्स्टेंटली क्राइंग अबाउट दू नो You cannot do this. You like, और फिर उसको कहना की यार तुम संभालो ये चीज तुम डिसीजन लो लाइफ के मुश्किल वाले खाना खाने जा रहे में तुम पिको ॉजिकली हर रोल इज टू बी योर सपोर्टर एंड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड तुम्हारे बच्चों की आगे खिदमत करे तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम इन एवरी थिंग यू डू नाउ मर्द की जब लीडरशिप होती है वो गलत भी हो सकता है एंड दैट्स फाइन कोई लीडर परफेक्ट नहीं होता तो इन द टाइम्स टाइम्स ही इज डूइंग रॉन्ग यू हैव टू सपोर्ट हिम बिकॉज आउट वो सही चीज़ें भी कर रहा होता है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस फिर कॉमेंट कुछ आए बड़े मजे मजे के जो कुछ मैं आपको बताता हूँ और कॉमेंट्स जो आए ना बुरे बुरे वो मुझे देख के समझ आती थी कि अभी भी हम ना वेस्टर्न मीडिया को कितना फॉलो करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की प्रेम और इश्क वाली बातों से बाहर ही नहीं है अभी तक हम बहुत से लोगों ने किए ना वो इंस्टाग्राम की रील्स उन्होंने मेरी पूरी पर्सनैलिटी देख के बात कर दी यूट्यूब वाले ओजीज एंड जो मुझे पे पे भी देख रहे हैं, उनको you know, they know about me. That's why YouTube वाले इतना करते, and they actually understand. But Instagram पे 95% लोगों ने तो भाई मेरे से है और लड़कियों ने ज्यादा किया मेरे से ये जो कुछ बॉयज है ना बीच में जिनको रोना है अपनी के आगे, भाई तुम रोलो जाके मैंने मना नहीं किया आ, 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 मेरे हाँ जाओ, जाओ लो फिर बाद में जब तेरी में फिर बाद में आएंगे एक दफा तुम लोग को जब धोखा मिलेगा रियलिटी जब एक दफा तब आएगी ये बातें बाते अगर बुरी लग रही है बेस्ट ऑफ लक ठीक है फैलाओ दूसरे की जगह पे जाके खुद ये चीज एक्सपीरियंस करो फिर तुम्हें पता चलेगा अब एक लड़की ने सच स्टूपेट एडवाइस लिम ना मैंने भी लिख दिया आई नो राइट कितनी ज्यादा स्टूपेड है फिर नीचे लोगों ने भाई उसको कहा कि लड़कियां Ke 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 stupid advice, it's because you girls want a weak man. Ka, it's essential for a couple to divide responsibilities fairly, including financial obligations. No, it's not.

घर में लाना और घर की रूफ टॉप बनना ठीक है जो छत है घर की जो तुम्हें बाहर बुरे वेदर से बचाती है और औरत का काम है उस घर की जो बेस है फाउंडेशन उसको प्रोटेक्ट करना उसको सजा के उसको प्यारा सा रखना ताकि एक दोनों में दोनों चीज की फिर जब बनेगी तो परफेक्ट बैलेंस आता है. But, के बट कहती ओके फॉर बोथ पार्टीज टू बी वनरेबल टू वन अनदर मैंने कहा कि हाँ ठीक है बट नॉट क्राई क्राई डोंट डोंट बी मर्दों को एंड ये जो कह रही है ना बात आई स्वे टू गॉड ऐसी औरतें होती है ना ये ज्यादा अपने आप में फेमनस बनती हैं इनको एक दफा कोई मर्ज चेक कर देना इनकी अट्रैक्शन उसी मर्द से ज्यादा बढ़ती है ऐसी लड़कियों को ना जो होते हैं ना जो बैड बॉयज होते हैं जेनवन बातें बता रहा हूँ वही ऐसी लड़कियों को खुश रख सकते हैं ये सोए बॉयज वगैरह की ये जिसकी बात करिए वनरेबल होना चाहिए दिस इज ऑल ब्राउनी पॉइंट्स दे से दे इट बट दे डोंट इवन नो वट दे वॉन्ट बाकी मैंने सारा पढ़ा ये आप देख लेना पॉज करके वीडियो फिर एक और बहुत पकवास मेल एंड फीमेल रिलेशनशिपर आर आर इक्वल इन रिलेशनशिप उसमें मैंने लिखा मैम दे आर इक्वल इन वैल्यू वैल्यू में इक्वल है मैंने नहीं, नहीं कहा कि की वैल्यू मर्द से कम है वैल्यू में इक्वल है इंसान है दोनों बट नॉट इक्वल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेट ऑफ द इक्वल जो औरत घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल हो सकती है वेट में बट दो डिफरेंट है एक है ए एक है बी लोगों ने तारीफ भी की फाइनलीग ठीक थी। है जब उनको रियलिटी बताना लोगों को सोना पसंद है लोगों को कम्फर्टेबिलिटी पसंद है जो ये हमारे मेट्रिक बना बना है बड़ा कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट है ये मेंटली तुम्हें ड्रेन करता है तो मैं दुख तो होता है कि मैं इस एर्मेंट में क्यों लेकिन कम्फर्टेबल भी बहुत है तुम कहता है छोड़ो यार दफा अगर नेटफ्लिक्स की मूवी लगाते हैं बैठते हैं चिल करते हैं चिप्स चिप्स खाते हैं बैठ के सोफे पर रिलैक्स करते हैं क्योंकि हम डिजर्व करते हैं रिलैक्स होना और लाइफ में करते करते हैं क्रूज करते हैं क्रूज फ्लो करते हैं और इसी तरह फ्लो करते करते हैं, मर जाएंगे जब इनको ऐसे लोगों को फिर बातें सुनने को मिलती है ना मेरे जैसा बंदा आता है जो इनको रियालिटी बताता है उठ जाओ जिस तरह मानिए मैं स्कूल के लिए आके उठाती थी मैं बुरा लगता था कि ख्वाबों की दुनिया में होते थे जो तुम्हें वेकअप कॉल देने वाला बंदा होता है ना वो बुरा ही लगता है शुरू में माँ बाप जब कहते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो बुरी लगती है बात बट रियलिटी में तुम्हारा अच्छा ही चार होता हैं इसी तरह मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा ही चार हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं मैसेज अच्छा पिलाऊं। अब कुछ लोग है जो समझदार हैं कहते हैं कल मन को इशारा काफी है जो लोग समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले आई रियली प्रे मैं अल्लाह से दुआ मांगते हो कि तुम लोगों को सही अल्लाह रास्ता दिखाए बिफोर यू गेट अ ट्रामा और बिफोर यू फॉल इन टू गर्ल्स वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान और इंस्टाग्राम पे भाई अभी फुल जूसी सीन चल रहा है तो जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो मैं वहां पे भी रील्स में लगाता रहूंगा एट गर्ल्स बात आती है